सरकार का जो तिब्बती निवास सरकार का जो हमारा यहाँ प्रतिनिधि है, जो हमारा मेरे साथ वेनरेबल चंपा यांबेला जी है और हमारे साथ ऋषि डोमला जी है और मैं हूँ, हम धर्मशाला से इसलिए आया था, हम जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जाना था और हिमाचल में जाना था। हमारा ये मकसद था कि हम हर दो साल में हम जाते हैं सभी स्टेट में, जो हमारा जो MP लोग है जाकर जो हमारे यहाँ के पॉलिटिकल लीडर से हम निवेदन करते हैं कि हम उसको अपील करते हैं कि तिब्बत के विषय में, तिब्बत के अंदर क्या स्थिति है और तिब्बत के हम लोग क्या चाहते हैं। हम लोग पिछले 7 साल से यहाँ हिंदुस्तान में रहता है, हम किस मकसद के आया है, हमें जो जो प्यार जो मदद हम भारत से मिला है, भारत के लोगों से, भारत गवर्नमेंट से मिला है, उसको निवेदन, उसको धन्यवाद कहने के लिए। और जो तिब्बत के अभी अंदर जो हमारा भाई बहन को जो स्थिति है, जो चीन के गुलाम में जो दुख सह रहा है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उन लोगों को अपील करने के लिए हम हर हिंदुस्तान के स्टेट में हमें बांध के भेजा गया है। तो हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि हम यहाँ का जो MP, MLA, मिनिस्टर्स, गवर्नर जो भी है, जो यहाँ पर लीडर लोकल लीडर्स है, जो स्टेट में जो लीडर है, उनसे मिलके तिब्बत के विषय में और तिब्बत में जो हो रहा है और हमें उनसे क्या मदद चाहिए, क्योंकि उनके संसद में जैसा असेंबली में नीचे विधानसभा में और नीचे लोकसभा में तिब्बत के विषय में चर्चा किया जाए, ताकि जो तिब्बत के वजह से तिब्बत को कब्जा करने चीन ने कब्जा करने के बाद में हिंदुस्तान के जो सुरक्षा में जितना दिक्कत हुआ है, खतरा उपरा है, उसी के बारे में हम बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको हमारा अकेला तिब्बत के अकेला का तकलीफ नहीं है, ये भारत की सुरक्षा में भेद है। जब तिब्बत आजाद था तो जो लद्दाख से लेकर जो अरुणाचल था, जो एक बॉर्डर इशू है, उसमें 4 पुलिस चौकी था, अभी लाखों करोड़ आर्मी रखा है, उनका एक दिन में कोई करोड़ हजार रुपए खर्च जाता है। तो इसी तरह के सभी जवान भारतीय और जो खास करके जो नेता लोगों को हम ये निवेदन करने आया है कि तिब्बत के विषय में आप संसद में चर्चा किया जाए, विधानसभा में चर्चा किया जाए, हमारा जो तिब्बत में जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में आपके विधानसभा में, आपके लोगों में चर्चा, और आपके स्थानों में लोकल जो MLA उनका कोई टिबेट सपोर्ट ग्रुप का संस्थापना, जैसा हमारा यहाँ भारत वसायक मंच के संजय साहब है, राजेंद्र जी है, डॉक्टर सिंह है, उनका साथ है, इनके मदद से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जैसा भी हमें आज यहाँ पहुँचा है, तो हमें इनसे संपर्क करके सभी यहाँ का नेता हों जो लोगों हैं उनसे जोड़ा गया है। तो इसी तरह के हमें आप लोगों के तरफ से हमें मदद चाहिए, इसीलिए हम 4-5 दिन के लिए यहाँ, 4 दिन के लिए हम जम्मू में, 4 दिन के लिए हम श्रीनगर में, 4-5 दिन के लिए लद्दाख में रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, स्कूल के कॉलेज से मिलेंगे, नेता से मिलेंगे, XML हो, MLA हो, जो गवर्नर है, जो भी है, सभी से हम निवेदन करने के लिए आया हूँ। जैसे कि दावा साहब ने बताया कि भारत से तिब्बत के जो यहाँ पर हम बैठे हैं, तो हमारा यही है कि इनका जितना हमारी तरफ से भारत तिब्बत सहयोगी मंच से जितना भी इनको सहयोग होगा वो हम करेंगे, और हम अपनी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के जितने XML हैं, MLA, MP हैं या और भी संस्थाएं हैं, उनसे इनको सहयोग के लिए कहेंगे ताकि तिब्बत आजाद हो सके। मैम, आप जम्मू में कितने दिन के लिए यहाँ पे ठहरेंगे, कितने लोगों से आपकी मुलाकात होगी? जम्मू में हम लोग होगा 4 दिन, 4 दिन होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बताना चाहती हूँ कि जो तिब्बत से पानी जो नदी जो भेज रहा है एशिया में, उधर में ऑलरेडी 11-10-11 डैम्स तो ऑलरेडी बन चुका है, अभी जो सबसे बड़ा पूरे दुनिया से बड़ा डैम जो है वो 3 गुना बड़ा अभी बॉर्डर में बना रहा है, इंडिया के बॉर्डर में, उसी जब ये बन जाएगा तो पानी का सब उनके हाथ में होगा, जिनका जान जावेद करना चाहते हैं चीन कर लेगा, पानी को जितना फ्लो करना है वो कर लेगा, उस टाइम में हम लोग को इंडिया में बहुत परेशान होगा, ये हम बताना चाहते हैं। तो एक विषय ये भी है, जैसा जब तिब्बत का आज़ाद था
तो हमारा हिंदू भाई लोग जब कैलाश मानसरोवर शिव जी का स्थान में जाना है तो उनको ना वीजा का पर्व पड़ रहा है ना किसी के। हम बुद्धिस्ट लोग जो तिब्बत में आते हैं हमें वीजा और कागज का कोई, हमारा अपना खाने का स्वादु ले बस सीधा बुद्ध का चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह का जो हिंदू लोग हैं जो अपने भगवान जो शिव जी का स्थान में कैलाश मानसरोवर जाना है उनको कोई कागज का ना कुछ है बस सीधा जाओ। आजकल जब से चीन का कब्जा हुआ है तिब्बत में गुलाम किया है तब से आपको हिंदुस्तान को अपना भगवान के स्थान को जाने के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो भारत तिब्बत साहब का मंच का एक विषय वो है, मतलब लक्ष्य है कि कैलाश मानसरोवर को एक उसको मुक्त करने के लिए, चीन से मुक्त करने के लिए। एक बात और है, वो जो अभी इंडिया का नेबरहुड है ना, नेबरहुड बहुत होता है अभी, सब इम्पोर्टेंट इक्वली इम्पोर्टेंट है, बट तिब्बत जो है वो लोकेटेड एट द हाईएस्ट प्लेटू यू नो, इसलिए उधर में चीन जो बना रहा है मिलिट्री बेसमेंट्स कितना बना है, अभी 400,000 से ज़्यादा आर्मीज ऑलरेडी उधर आ पहुँच चुका है और उनका बेसमेंट्स इतना बड़ा बड़ा पूरे दुनिया को सीक्रेट है वो। अभी जब ये बन जाएगा तो अभी इंडिया के नीचे ऊपर से देख रहा है वो हाईएस्ट प्लेटू में ना बहुत खतरा है, इंडिया तिब्बत के अराउंड बिलो कंट्री सबको बहुत खतरा है। अभी चीन का क्या चल रहा है हम सबको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। जो तिब्बत के वहाँ के जो लोग हैं उनसे भी आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ कहना था उनका कि वो किस तरह से वो उधर, तो बहुत अभी जो चल रहा है बहुत खतरा है क्योंकि बच्चा सब तीन साल का उम्र हो गया तो कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल में जबरदस्ती घर से लेके उधर जाना पड़ता है। क्योंकि उधर तिब्बत में इस समय जो है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वहाँ पर जो है कल्चरल जेनोसाइड किया जा रहा है। कल्चरल जेनोसाइड इन द सेंस कि वहाँ की जो संस्कृति है उसको बिल्कुल खत्म किया जा रहा है और वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसके साथ जो है चाइनीज गवर्नमेंट जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके वजह से तिब्बत का जो संसाधन है उसको वहाँ से, चाहे वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो चाहे आपके मिनरल रिसोर्सेज हो, उसको वहाँ से एक्सप्लोर कर करके अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं और तिब्बत की जो जल जो वातावरण है उसका कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं। तिब्बत का वातावरण जो है मेरा ये मानना है कि समस्त विश्व का सभ्यता का प्रश्न बनता है यहाँ पे, क्योंकि तिब्बत जो है तिब्बत प्लेट्यू जो है वो जो है जल संसाधन का एक बहुत बड़ा स्रोत है और विश्व के जो सबसे बड़ी नदियां हैं, चाहे आप इंडस सिविलाइजेशन लीजिए, चाहे आप चाइनीज सिविलाइजेशन लीजिए, चाहे आपका ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये सारी नदी जो है आपके तिब्बत प्लेट्यू से निकलते हैं और आने वाले समय में जो वर्ल्ड वॉर होंगे वो जल संसाधन को लेकर ये लड़ाई होगी, तो उस समय जो है भारत सिर्फ भारत के लिए नहीं समस्त विश्व के लिए एक खतरा पड़ रहा है। जिस तरह से चीन जो है वहाँ के तिब्बत के जो कल्चर इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है और एक बात जो इस समय तिब्बत के अंदर क्या है कि तिब्बत के लोग इतने परेशान हुए हैं कि आज के डेट में यंग लड़के यंग मॉन्क्स वो अपने आप को खत्म करने के लिए अपने आप को जलाने के लिए रेडी हैं और मेरे ख्याल से हजार से भी ऊपर लोगों ने जो है सेल्फ इमोलेट किए हैं, तो ये बहुत सीरियस इशू है। इस पे हमारे माननीय संसद गणीय माननीय संसद गण है तिब्बत गवर्नमेंट की ओर से, ये सारे संसद गण जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस कराने के लिए यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिलने आए हैं और भारत का जो है तिब्बत का संबंध तो आप नालंदा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो हमेशा हिज होलीनेस दलाई लामा जी यही कहते हैं कि हमें जो है नालंदा ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है वो भारत की देन है, तो भारत का बहुत महत्वपूर्ण है तिब्बत के संबंध में और तिब्बत का बहुत महत्वपूर्ण है भारत के संबंध में। कैसे आज के डेट में हम कितने इंफ्रास्ट्रक्चर पे सिक्योरिटी पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप अरुणाचल वाले क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे आप लद्दाख वाले क्षेत्र में ले लीजिए, लेकिन अगर तिब्बत एक स्वायत्ता वाला देश होता तो हमें ये खर्च करने की आवश्यकता पड़ती नहीं, क्योंकि भारत और तिब्बत का संबंध ही बहुत ही ऐतिहासिक मित्रता से भरा हुआ है। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने।